जो है वजू के ताल्लुक से जो बात आती है वो ये है कि वजू करना जो है सोने से पहले ही सुन्नत मौकेदा है, याद रखी। इसके अलावा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इसके ताल्लुक से फरमाती है, कहती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में रात गुजारते, इतने में हज़रत बिलाल तशरीफ़ लाते और अजान कहते हैं और आप खड़े होते और गुस्ल फरमाते। मैं इनके सर से पानी गिरता हुआ देखती, रसूल को देखती नहाते हुए कर देखती थी कि आप तशरीफ़ ले जाते। कुछ देर बाद मुझे आपकी आवाज़ फजर नमाज की सुने आती देती, फिर आप रोज़ा रखते। ठीक, तो इससे पता चला एक आदमी रमज़ानों में अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर सकता है, उसका सोकर सहर, समझे, सहर जनाबत की हालत में कर सकता है, लेकिन वजू ज़रूरी है। वजू क्यों? तो खाने और सोने से पहले रसूल शर्मगाह धोते, वजू करते, वजू करके आप खाना खा सकते हैं, मतलब सहर कर सकते हैं, उसके बाद गसल करके आप फजर के लिए जाइए। जो है वजू के ताल्लुक से जो बात आती है वो ये है कि वजू करना जो है सोने से पहले ही सुन्नत मौकेदा है, याद रखी। इसके अलावा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इसके ताल्लुक से फरमाती है, कहती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में रात गुजारते, इतने में हज़रत बिलाल तशरीफ़ लाते और अजान कहते हैं और आप खड़े होते और गुस्ल फरमाते। मैं इनके सर से पानी गिरता हुआ देखती, रसूल को देखती नहाते हुए कर देखती थी कि आप तशरीफ़ ले जाते। कुछ देर बाद मुझे आपकी आवाज़ फजर नमाज की सुने आती देती, फिर आप रोज़ा रखते। ठीक, तो इससे पता चला एक आदमी रमज़ानों में अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर सकता है, उसका सोकर सहर, समझे, सहर जनाबत की हालत में कर सकता है, लेकिन वजू ज़रूरी है। वजू क्यों? तो खाने और सोने से पहले रसूल शर्मगाह धोते, वजू करते, वजू करके आप खाना खा सकते हैं, मतलब सहर कर सकते हैं, उसके बाद गसल करके आप फजर के लिए जाइए।